जैसे एक्सम देखो, लास्ट टाइम मैंने कराया था आपको, जिसमें हमने डोमेन लेके एक्स की वैल्यू निकाली थी। तो ऐसे टाइप का सोच रखना पड़ेगा, ठीक है? ओके, एक क्वेश्चन है। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। हा चलो एवरीबॉडी, इफ क्वेश्चन, इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू 3π, देन शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। राइट द क्वेश्चन। What is the question? Cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z equal to 3π. Then show that x square plus y square plus z square plus 2xyz equal to 1. How to approach? A very simple summary. अगर आप इसमें cos inverse x plus cos inverse y का formula apply करोगे तो कभी solution नहीं आएगा, खिचड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खिचड़ी। कॉस जीरो क्या होता है? 1। कॉस पाई क्या होता है? -1। कॉस 2π 1। कॉस 3π -1। बट आप इसको सॉल्व करोगे, इसको इससे करोगे, फिर जो आएगा उसको इससे करोगे, फिर कॉस को इधर लोगे, फिर उधर उधर करोगे, पता चला पूरा पेपर ही खत्म। कैसे अप्रोच करने का, क्या करने का? एनीबडी कैन एक्सप्लेन? Anybody can explain me? सोचो ना, सब लोग सोचो। हाँ, कैसे करेंगे ना? 3 cos। सोचो ना, सोचो, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ये, थोड़ा आपका इंटरेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। एंट्रेंस टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या रहता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, आपका जो कंसेप्ट है ना वो अप्लाई करना पड़ता है। कंसेप्ट मतलब क्या होता है, क्या कर सकते हैं इसमें, आपको क्या चीज मालूम है और उसको कैसे यूज कर सकते हो। देखो मैं बता रहा हूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स? पाई। What is the value of cos inverse y? What is the value of cos inverse z? अरे बाबा, cos inverse x, cos inverse y, cos inverse x, z, इन तीनों का ऐड करोगे तो क्या आ रहा है? 3π। मतलब अगर 0 और पाई में से हम कोई वैल्यूज लेंगे तो कौन सा वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? खाली पाई ना, क्योंकि इसको अगर पाई लेंगे, पाई प्लस पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा? मतलब यहां पे कॉस इनवर्स एक्स को क्या लेंगे? पाई। कॉस इनवर्स वाई को क्या लेंगे? पाई। कॉस इनवर्स जेड को क्या लेंगे?
एक्स क्या हो गया कॉस पाई, वाई क्या हो गया कॉस पाई, जेड क्या हो गया कॉस पाई। देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या हो गई, वाई की वैल्यू, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू क्या है, क्या आएगा बोलो, थ्री, ठीक है, ये माइनस टू, आंसर क्या आया, हो गया सॉल्यूशन। क्योंकि देखो कंडीशन क्या है, दिए तीनों को ऐड करके क्या है, क्या है, अगर हम इसको कम लेते तो इसको ज्यादा लेना पड़ेगा पाई से, बट विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू किसके बीच में, कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू किसके बीच में, कॉस इनवर्स जेड की वैल्यू किसके बीच में, सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट वी कैन टेक सच दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई, पाई, सो वी हैव गॉट एक्स इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट करो आंसर आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ रहा है, एनी डाउट प्लीज नोट डाउन, इसको अच्छा क्वेश्चन लिखो और एक दो क्वेश्चन करा के मैं सीईटी करा दूंगा, आपका इनवर्स सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फिनिश, ये पूरा चैप्टर हो जाएगा, अभी मैं आपको थोड़ा इंटरेस्ट का क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज डिफरेंशिएशन, और मैं आपको एंट्रेंस के क्वेश्चन भेजते रहूंगा सर को ग्रुप में, आपको सॉल्व करते रहने, any doubts, understood, इरेज करो मैं, श्योर नेक्स्ट क्वेश्चन, write this question and I will be solving. ये रख करो ना, okay students, note this question, let me solve. ए कार्टून्स इधर देखो,
यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मुला अप्लाई करो, व्हाट इज टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी, टैन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी, मैं अप्लाई करता हूँ इन दोनों के बीच में पहला, क्या था बाबा, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन क्या प्लस क्या इक्वल टू क्या फाइव बाई टू, चल चल अभी इन दोनों के बीच में अप्लाई करो, क्या आएगा टैन इनवर्स क्या एक्स प्लस वाई अपॉन प्लस जेड अपॉन वन माइनस क्या आएगा एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इंटू जेड, ठीक है इक्वल टू पाई बाई टू। अब इसको बड़ा देख के डरने का नहीं, डराने का, कैसे डराने का वो देखो, टैन इनवर्स क्या आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या वन माइनस एक्स वाई अपॉन क्या वन माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड अपॉन क्या वन माइनस एक्स वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इक्वल टू पाई बाई टू, ये और ये क्या हो गया कैंसिल। अब टैन इनवर्स इधर क्या आया, इसको सॉल्व करते मत बैठो, खाली ऐसे लिख दो अपॉन ये क्या आएगा वन माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड इक्वल टू पाई बाय। नहीं कोई कोई स्टूडेंट जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्व नहीं करने का, इसको वो एक्सप्रेशन में छोड़ देने का, क्योंकि अपने को ये प्रूव करना है और ये प्रूव करने के लिए अपने को खाली कंसेप्ट पता होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो इधर क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी क्या फॉर्मूला है, वापस इधर क्या अप्लाई किया टैन इनवर्स ए प्लस, यहां तक लिखो फिर मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं, कोई डाउट है क्या, हो गया सबका लिख के हो गया, ये वाला लिख के हो गया। अब मैं क्या करूंगा मालूम है, ये tan inverse को इधर लूंगा तो क्या आएगा एक्सप्रेशन बोलो, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड को ऐसे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, वन माइनस एक्स वाई अपॉन क्या वन माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड इक्वल टू टैन ऑफ पाई बाई टू। टैन ऑफ पाई बाई टू क्या होता है, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड कब होगा जब ये जीरो हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखूंगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड
इंटू वन माइनस एक्स वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड इक्वल टू वन अपॉन जीरो। देयरफॉर ये वैल्यू की ये डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। सबको इधर लो, देयरफॉर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इसकी वैल्यू क्या आ गई, वन। हमको क्या प्रूफ करना है, अगर आपको tan 90 का वैल्यू पता नहीं रहेगा लटक जाओगे। अब दुनिया में ऐसा कोई माइकल लाल नहीं है जिसको tan 90 नहीं पता है। ऑब्वियसली tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। यस ऑर नो, tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। उसका ग्राफ देख लो पता चल जाएगा, tan 90 इज नॉट डिफाइंड। Write this question. इधर देखो क्या क्वेश्चन दिया है, साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, साइन इनवर्स वन माइनस एक्स इसको मैंने इधर लिया, क्या हो जाएगा बाबा, पाई बाय टू प्लस टू। अभी वन माइनस एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स को इधर लिया तो क्या आ जाएगा रे कार्टून, व्हाट इज साइन 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा ना, तो ये क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ टू साइन इनवर्स एक्स। ये मैं रब कर रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, देखो मैंने आपको कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले दिए थे और आपने इलेवेंथ में भी पढ़े, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस टू थीटा, वन माइनस, देखो इधर क्या अंदर, हाँ तो कॉस टू थीटा क्या होता है, वन माइनस टू, हाँ तो अगर इधर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस एक्स इक्वल टू वन माइनस टू क्या साइन स्क्वायर, क्या साइन इनवर्स एक्स, यस और नो, इधर थीटा की जगह पे क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो वन माइनस एक्स इक्वल टू वन माइनस टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाता है, अरे बाबा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर भी है ना इधर, अच्छा ये इसको इधर कर,
इसको उधर ले, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स को कॉमन दिया, क्या हो गया टू एक्स एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू हाफ, ठीक है। हमारे पास दो वैल्यूज आ रहे हैं, हम हाफ को चेक करते हैं, चेक फॉर एक्स इक्वल टू हाफ, यहां चेक करते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स वन माइनस हाफ माइनस टू साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ माइनस टू साइन इनवर्स हाफ, व्हाट इज वन माइनस टू माइनस वन, माइनस साइन इनवर्स हाफ, और साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू क्या होता है पाई बाय सिक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय सिक्स विच इज नॉट इक्वल टू पाई बाय टू। अपने को सोल्यूशन क्या आना चाहिए, एक्स का ऐसा वैल्यू लेना है कि ये सोल्यूशन आना चाहिए, बट व्हाट वी आर गेटिंग फॉर हाफ क्या मिल रहा है विच इज नॉट इक्वल टू पाई बाय टू, therefore value of x equal to zero, understood, write the solution। इसके बाद एक सब्स्टिट्यूशन वाला सब मैं फिर इंटरेस्ट चालू कर दूंगा। इतना सिर्फ मैथ्स है, इतना सिर्फ मैथ्स ही है, ऐसा फिजिक्स भी, ऐसा केम भी है। कितने प्रॉब्लम से मालूम इसमें, मेरे हिसाब से ना 10,000 6,000-7,000 रहेंगे फिर। उतना पढ़ना पड़ता भैया, ये आवाज मत निकालो, मारूंगा पकड़ के, गधे जैसा काम मत करो। डोंट शो दैट यू आर ऑल डोंकीज, डोंट शो दैट यू ऑल आर डोंकीज, हाँ ये सब ना गधे लोग करते हैं, ये कुछ काम नहीं आने वाला है, ये आवाज निकालना, ये करना, ये कुछ काम नहीं आने वाला है। पढ़ो और इज्जत से निकलो आगे।
मस्ती मजाक जहां करना वहां करो, पढ़ते समय मत करो। तो ये ऐसा मजाक करेगा ना तुमसे कि तुमको देखते रह जाओगे। ठीक है, 2 मिनट्स। चुपचाप पढ़ो, राइट एंट्रेंस पार्ट, राइट एंट्रेंस पार्ट, वही बुक में लिखो एंट्रेंस पार्ट। सर चार्ज पर रख देंगे। इधर है, मैं क्वेश्चंस लिखूंगा, उसको ऑप्शंस लिखूंगा, एंड आई वांट यू पीपल टू सॉल्व। चलो अरे मिक्स है, तीनों चैप्टर तीनों पार्ट के मिक्स हैं। तीनों पार्ट क्या क्या सीखा है मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल एंड हाँ, इसको मिक्स क्वेश्चन दूंगा मैं। चलो पहला क्वेश्चन, ध्यान दो इधर, राइट दिस क्वेश्चन। राइट दिस क्वेश्चन फटाफट। That is question. इधर देखो, आया सर नहीं आ रहा ना, इधर देखो इसको अप्रोच कैसे करने का। आप लोग को क्या मालूम है, एमसीक्यू देख के थोड़ा डर रहा जाता है, अरे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, सी हाउ टू अप्रोच, क्योंकि आपका भी बहुत टाइम है, आप प्रैक्टिस करते रहोगे आ जाएगा। क्या दिया है, साइन 2x प्लस कॉस 2x इक्वल टू 0, वे x इज बिटवीन 0 एंड 2 पाई, पाई एंड 2 पाई, पाई एंड 2 पाई मतलब कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो साइन 2x प्लस कॉस 2x इक्वल टू 0, साइन 2x इक्वल टू माइनस कॉस 2x, स्क्वायरिंग करो, साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू क्या आएगा, कॉस स्क्वायर 2x,
माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है ना, यस या नो? अच्छा कॉस स्क्वायर टू एक्स को क्या लिखोगे? इसको इधर लो, साइन स्क्वायर टू एक्स क्या होगा? देखो साइन स्क्वायर टू एक्स इक्वल टू वन अपॉन रूट टू द होल स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर टू एक्स क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर पाई बाय फोर, साइन फोर्टी फाइव क्या होता है? वन बाय रूट टू ना। अच्छा फॉर्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का, भूल गए? टेक्सटबुक खोलो देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा? थीटा इक्वल टू क्या था? एन पाई प्लस और माइनस अल्फा, चेक करो टेक्सटबुक में दिया है। क्या दिया है? पढ़ता नहीं है, इतना कराया था समझ में, याद ही नहीं आप लोग को? क्या फॉर्मूला? तो टू एक्स क्या होगा? ना अच्छा अभी इधर देखो, आपको क्या क्या चाहिए? बिटवीन पाई एंड टू पाई, मतलब एंगल्स किस से चाहिए? पाई से बड़ा, टू पाई से छोटा। हाँ अच्छा, पाई बाई कितना होता है? पाई बाई कितना होता है? पाई बाई कितना होता है? एक। ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव, कितना था? 22.5। अब चारों ऑप्शन में से क्या लेगा मुझे बताओ? क्यों सी? कौन बोल रहा है सी? जो सी बोल रहा है वो बताओ ना क्यों। हाँ बोलो ना, कौन बोल रहा है सी? देखो पाई बाय एट का मतलब, पाई बाय इलेवन पाई बाय एट का मतलब क्या होता है? अब मैं इधर एन इक्वल टू, सपोज एन इक्वल टू थ्री डालता हूं, एक्स इक्वल टू क्या होगा? थ्री पाई बाय टू माइनस पाई बाय एट, एक्स इक्वल टू क्या है? व्हाट इज थ्री पाई बाय टू माइनस पाई बाय एट? इलेवन पाई बाय एट, इलेवन पाई बाय एट कितना आता है? ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव टू इलेवन, पता आपका 180 से और 360 के बीच में है, और एक 11 पाई बाय 8 आ गया, और अभी 11 पाई बाय 8 किसके साथ जोड़ी बना रहे? हाँ अब ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन में से कैसा? इधर भी है ना, वो छोटा है ना, तो आंसर क्या आएगा? सी, 11 पाई बाय 8 एंड तो देखो करते समय ना आपका स्मार्टनेस भी काम करेगा, यस और नो? आप सोचेगा कि मैं बस पढ़ के जा रहा हूं आ जाएगा, ऐसा नहीं, आपका स्मार्टनेस भी उधर काम करना चाहिए। किसको को डाउट है? और हमको किसके बीच में चाहिए? पाई एंड टू पाई, इसलिए उन्होंने क्या बोला है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन।
किसका डाउट है तो प्लीज आस्क मी, क्या हुआ? हटू मैं आपको चेक करना है, मगर n का वैल्यू 2 लूंगा तो देखो वो कंडीशन हमारा मेन गेम क्या मालूम है, पाई और 2 पाई के बीच में आना चाहिए। तब n की वैल्यू 2 लेता हूं, पाई माइनस पाई बाय नहीं आएगा, अच्छा पाई प्लस पाई बाय। ऑप्शन में दिया क्या, क्या दिया 9 पाई बाय, अच्छा 13 पाई बाय कहता है क्या, 13 इंटू 180 अपॉन 8, 180 अपॉन 8 क्या है 22.5, 22.5 इंटू 13 करो, हाँ 22.5 इंटू 13 करो, आपको वैल्यू 360 से ज्यादा मिलेगा। हमारा मेन एम क्या है, एंगल किसके बीच में होना चाहिए, पाई एंड वो आपको चेक करना पड़ेगा। ये रख करूं क्या, नहीं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होगा ना, नहीं रे बाबा ये ऐसा होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो ये सॉल्व करो। क्या वहा आए कह रहे बाबा ए बता सोचो ना बेटा क्या कहो इधर सोचने के लिए बैठा है बता ऑप्शन से ऑप्शन को राइट करना है सोचो सोचो ये बाबा बताओ क्या ऑप्शन आएगा सॉल्व करो चलो सॉल्व करो cos x raise to 16 minus sin x raise to 64 equal to 1 then x equal to n pi 2n plus 1 pi by 2 2n pi 2n minus 1 pi by 2 देखो इधर आधे जन तो इसको देख के डर गए क्या 16 64 हमको आंसर क्या चाहिए अगर मैं अगर रहता था तो मैं सबसे चेक करता था ये कौन सा है एन पाई ये क्या है 2n + 1 π/2 दिस इज अलोंग वाई एक्सिस दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस अगर सपोज मैं 2π लेता हूं व्हाट इज कॉस ऑफ 2π -1 -1 व्हाट इज साइन ऑफ 2π 0 अरे बाबा एक्स इक्वल टू एन पाई कॉस ऑफ एन पाई इक्वल टू क्या हो जाता है प्लस और माइनस 1 साइन ऑफ एन पाई क्या हो जाता है बाबा 0 अगर मैं इधर एन पाई डालता हूं तो इधर क्या आएगा प्लस और माइनस 1 रेस टू 16 माइनस 0 विच इज 1 माइनस 0 आंसर क्या आया तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है आप लोग सॉल्व करने बैठोगे ना सॉल्व नहीं करना है पहले चेक करो कौन से कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं यस और नो बाकी नहीं करेगा ये कौन सा क्वाड्रेंट ये कौन सा एक्सिस पे वाई एक्सिस
cos ऑफ पाई बाई टू क्या होता है जीरो, साइन ऑफ पाई बाई टू क्या होता है प्लस और माइनस वन, अगर हम ये लेंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस वन, क्योंकि ये क्या हो जाएगा वन, जीरो माइनस वन क्या होता है माइनस वन, बट हमको आंसर क्या चाहिए वन, और सपोज इधर क्वेश्चन में माइनस वन होता था तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो ऐसे चेक करना पड़ता है, इसलिए बोलता हूं ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग करो। कोई डाउट है क्या? व्हाट इज द ऑप्शन? सॉल्यूशन देखो, इधर लिखो, ए हो गया। चलो ए ये सॉल्व करो। अबे इन्वर्स फंक्शन, मैं मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर स्टेप प्रिपेयर करके आओ। सॉल्व करो चलो। सॉल्व करो बातचीत मत। चलो इसको क्रैक करो, चलो करो करो। ओए मैडम करो बातचीत मत करो, सम सॉल्व करो। ओए सम सॉल्व करो, ट्राई करो, एंट्रेंस लिखना ना, आदत डालो। मैंने तीन पार्ट पढ़ा दिया है, पूरा फॉर्मूला भी दे दिया है, अभी भी इसमें लटके हो। सोचो ये तो आपके सेंस किए, घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हो। मैंने टू टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला दिया है, यस या नो? आपका बुक दिखा बेटा, ये पूरा स्टार्टिंग से है ना पूरा।
हम इतना खत्म। अभी नेक्स्ट चैप्टर चालू हो रहा है, वो भी बड़ा है, डिफरेंशिएशन। उसका दूसरा बुक बनाओ, पेपर टू, वो डिफरेंशिएशन। कौन सा है? डिफरेंशिएशन। और वो एक दो बुक भर जाते हैं। अभी इसका जो लॉजिक वॉजिक है ना, लॉजिक मैट्राइजेस फटाफट होते हैं। सबसे बड़ा चैप्टर यही था। अच्छा फिनिश हो गया आपका, आया कह रहे आंसर हो। ए बाबा हो गया आंसर क्या है? श्योर एंड द आंसर इज रूट टू एंड दिस इज राइट। बाकी लोग जलेबी तल रहे हैं। ए कॉपी मत कर, इधर रखो। ये चैप्टर सेल्फ मैंने कराया था। ए इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये क्या होगा? टू कॉस एक्स अपॉन क्या? इधर क्या होगा? टू टू टैन एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू फाइव बाय फोर, साइन फाइव बाय फोर प्लस साइन कॉस फाइव बाय फोर, वन अपॉन रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू क्या होगा? टू अपॉन रूट टू विच इज इक्वल टू रूट टू, यस और नो? ये किया था सब मैंने। आपको खाली एक्स की वैल्यू निकालनी थी और उसको सॉल्व करना था, वो भी नहीं कर रहे हो आप लोग। फटाफट आंसर देना चाहिए भाई। कोई डाउट है क्या? ये सॉल्व करो, चलो
क्या हो गया भाई, सॉल्व करो। नहीं आया ना, कहाँ वाले आया सॉल्यूशन देखो, साइन ऑफ कॉट इनवर्स इनटू कॉट इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ टैन इनवर्स एक्स। पहला आप काम करो, टैन इनवर्स एक्स को किसमें कन्वर्ट करो, कॉस इनवर्स। हमको कैसा करना है, सबको इरेज करना है, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स होना चाहिए, टैन ऑफ टैन इनवर्स होना चाहिए, सो दैट वी कैन इरेज इट। सो लेट टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा, एक्स क्या होगा टैन अल्फा, मैं ट्राइंगल बनाता हूँ। टैन का फॉर्मूला क्या है, ये एक्स अपन वन होता है, टैन का क्या है ऑपोजिट अपन, बोले रे ये क्या हो जाएगा, अच्छा वो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस, तब अल्फा क्या मिला, देखो इधर क्या आ गया, देखो मैंने आपको बताया था अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो किसका हेल्प लेने का, राइट एंगल ट्रायंगल और सॉल्व करते जाने का, जैसा टैन इनवर्स एक्स है उसको किसमें कन्वर्ट करने का, कॉस इनवर्स, क्या है बोलो, ये क्या हो गया बोलो, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा,
हाँ बोलो क्या, वन बाय क्या, ये कॉट इनवर्स कैसा नो, एनी डाउट्स? अभी बाहर क्या है, यहां पे क्या है, कॉट को किस पे कन्वर्ट करने का, लेट कॉट इनवर्स वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा, वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कॉट थीटा, यस और नो? वापस ट्रायंगल बना, कॉट क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट का, अच्छा इसका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो ये क्या आएगा, रूट ऑफ क्या, वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ टू प्लस, रूट ऑफ टू प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा, आपको इसमें किसको कन्वर्ट करना है, साइन ना, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, ऑपोजिट अपॉन तो थीटा क्या आ जाएगा, किसको ये आंसर आया था, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? बच्चा लोग को डाउट है? ये सब करके दो, ए भाई करना ये शाम, ये
ए भाई हुआ क्या? चलो मैडम ये सॉल्व करो। कैसा गेस किया? सॉल्यूशन बताओ मैं चेक करता हूँ। कैसा है बताओ? हाउ कम? किसको किसको सोल्यूशन आया? रूट थ्री बाय टू राइट है। इधर देखो साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? टू साइन इनवर्स एक्स क्या होगा? ये 30 हो गया, ये 90 कितना हो गया? साइन इनवर्स एक्स कितना हो गया? एक्स क्या हो गया? साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? Any doubts? ए क्या हो रहे? Thank you.
बातचीत नहीं। चलो सॉल्व करो इसको, डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स। चलो आप लोग सॉल्व करो। चलो सॉल्व करके दिखाओ, मैं अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि आपको थोड़ा इसका नॉलेज आ जाएगा। अब पहली बात है, फॉर्मूला अच्छे से पढ़ के रखो। पहली बात क्या है, डोमेन क्या है, रेंज जो पता होना चाहिए। डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स, रेंज मतलब करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई। व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ये टोटल फंक्शन है ठीक है, जो कि ये सेटिस्फेक्शन करेगा, मतलब ये वैल्यूज कौन इस तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसा वैल्यू ढूंढना है जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। चलो अभी ऐसे टाइप के टफ क्वेश्चन लाऊंगा, अभी तो बेसिक बेसिक करा रहा हूं मैं। लिस्ट ऑफ टफ क्वेश्चन भी बाकी है जो मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, मगर अपना उतना ही नहीं रहता है। एग्जाम में अलग हर टाइम अलग क्वेश्चन आता है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कैसे ऐसे टाइप के सम्स को सॉल्व करने का, इसे ये सब टाइप के सम्स को कैसे सॉल्व करने का। इसके पहले का सम्स किया ना अपने, कॉट इनवर्स एक्स रहेगा तो उसको अगर किसमें कन्वर्ट करने का, उसके पहले के जो भी सम्स किए वो कंसेप्चुअल दिया मैंने आपको। थोड़ा भी इनवर्स का दे रहा हूँ, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का दूंगा, फिर सॉल्यूशन ऑफ सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दूंगा। सोचो क्यों है, क्यों है, कॉस को सॉल्व करके, किधर कॉस को सॉल्व किया, प्लीज स्टैंड अप। देखो मैं आपको ना डोमेन का मतलब बताता हूं, आप कोई भी इक्वेशन ले लो, यहां पे कौन सा वैल्यूज ऑफ एक्स है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, रियल वैल्यूज। आप एक्स का कुछ भी वैल्यू डालो आपको इसका आंसर मिलेगा, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर भी आता है। हाँ स्क्वायर रूट होता था तो सबको सोचना पड़ता था, क्योंकि स्क्वायर रूट में अंदर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर, तो इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर। ध्यान दो, दर ई रेस टू थ्री टैन एक्स, इसका डोमेन क्या है। सी देखो टैन एक्स का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। टैन का रेंज क्या होता है, खाली 90, वो जो नॉट डिफाइंड है, टैन 90 पे एग्जिस्ट नहीं करता। टू एक्स माइनस वन अपॉन थ्री, ये किसके बीच में रहेगा, माइनस वन और
मल्टीप्लाई बैक करो, वन को ऐड करो, क्या आएगा? डिवाइड बाय टू करो, तो इसमें क्या आ रहा है? ओपन इंटरवल नहीं, क्लोज इंटरवल आ रहा है। अब एक ऐसा वैल्यूज लेना है जो तीनों को सेटिस्फाई करे। ये जो देखो, ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा रियल नंबर, ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ये इसको भी। तो आपका आंसर क्या है? क्लैप योर हैंड्स, अच्छा सॉल्यूशन दिया, सच्ची क्लैप करो, ऐसा आपको सोचना है, ऐसा आपको सोचना है, सबको सोचना है ऐसा। मस्ती मजाक नहीं, बरोबर दिया सर। माइनस वन बाय टू खाली तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी के कोई वैल्यू सेटिस्फाई, क्योंकि हमको ऐसा वैल्यू लेना है जो तीनों इक्वेशन को क्या करेगा, समझा? ओए बातचीत नहीं, बातचीत नहीं, क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? All this.
चलो सॉल्व करो, इसका डोमेन निकाल कर दो। अभी तो क्या भी स्टार्ट किया अपन ने एंट्रेंस, अभी तो बहुत करने हैं आपको, तो रखड़ा दूंगा मैं एंट्रेंस में, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा, आप सॉल्व करो। बेसिक पहला स्ट्रांग करना, क्या मैं आपको रेंट में ज्वाइन किया हूँ तो अभी वैसे ट्वेल्थ कराऊंगा, बीच बीच में ना एंट्रेंस के भी पॉइंट्स क्लियर करा करूँगा। सोचो सोचो कैसा करने का, डोमेन निकालना है, वैल्यूज ऑफ एक्स, बी बी आया पी ना, अच्छा सॉल्व करके देखो, आ जाओ नहीं आ जाओ ना, आ जाओ ना, नो राइट है, आपने सोच के बोला कि ऐसे बोल दिया रैंडमली, ये बेटर है। बट ये क्यों नहीं है, ये क्लोज इंटरवल क्यों नहीं है, ओपन इंटरवल क्यों है, क्या जीरो होता है, ठीक है ठीक, एटलीस्ट यू आर नियर बाय, वेरी गुड,
इधर देखो सब लोग, ओए कार्टून लोग, कैसे डोमेन निकालने का, पहले हर एक को सॉल्व करो ना। यहाँ पे रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन निकालो। इधर देखो, 9 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला, स्क्वायर रूट के अंदर नंबर, स्क्वायर रूट के अंदर नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब भी एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए, मतलब एक्स इज बिटवीन माइनस ए एंड ए, याद रखो, मतलब यहाँ पे एक्स किसके बीच में रहेगा, ए स्क्वायर, तो क्या होगा, यस ऑर नो, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, देन एक्स इज बिटवीन माइनस ए एंड ए। 9 क्या होता है, 3 स्क्वायर ना, तो एक्स किसके बीच में रहेगा, माइनस 3 एंड 3, तो इसका डोमेन क्या मिला अपने को, माइनस 3 एंड 3। चलो अब हम किसका डोमेन निकालते हैं, थ्री माइनस एक्स किसके बीच में रहेगा, थ्री को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस थ्री, वन माइनस थ्री। अगर मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है, अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, यस ऑर नो, एक्स इज ग्रेटर देन टू एंड लेस देन फोर, ये इसका डोमेन आया। अब आपको एक चीज ख्याल रखना है, सिंस इट इज इन डिनोमिनेटर ये वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए ना। साइन इनवर्स थ्री माइनस एक्स इक्वल टू जीरो फॉर एक्स इक्वल टू थ्री, अगर मैं इधर थ्री लेता हूं, थ्री माइनस थ्री क्या होता है जीरो, साइन इनवर्स जीरो क्या होता है जीरो, देयरफॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री। इसको इसको और इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, मुझे टू से लेके फोर तक चाहिए, एक्स नॉट इक्वल टू थ्री चाहिए, माइनस थ्री से लेके थ्री तक चाहिए, मगर एक्स इक्वल टू थ्री नहीं चाहिए, तो मैं कहां से लूंगा, टू कहां एंड करूंगा, थ्री, मगर ये थ्री नहीं चाहिए तो इसको क्या लिखेंगे, ये कौन सा इंटरवल है, ओपन, और ये कौन सा इंटरवल है, तो क्या आएगा, टू कोमा थ्री। इसका मतलब क्या होता है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू बट लेस देन, देखो ना कौन सेटिस्फाई कर रहा है, टू टू फोर, ये क्या है, माइनस थ्री टू थ्री, ऑब्वियसली क्या लोगे आप, और ये क्या लोगे, मतलब सबसे लोएस्ट पॉइंट सबसे हाईएस्ट पॉइंट, सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, मगर थ्री को भी इंक्लूड कर सकते हो, नहीं, देखो इसलिए हमने क्या लिखा। अब इधर एक ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ये देखो इधर दोनों ओपन दिया है, इधर एक क्लोज, एक ओपन और एक क्लोज, ऐसे घुमा देंगे अगर, तो जो इंटरवल है ना वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओपन इंटरवल का साइन कैसा रहता है, क्लोज इंटरवल का साइन कैसा होता है, अंडरस्टूड। इसका मतलब क्या होता है, दिस वैल्यू इज इंक्लूडेड, इसका मतलब क्या होता है, दिस वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, कोई डाउट है क्या, लाइक भाई समझा, ओए समझा, कॉपी करो, देखो ऐसा डीप सोचना पड़ता है भाई, जो आपका एक्सप्लेनेशन था ना जीरो वो रॉन्ग था, डिनोमिनेटर जीरो होना नहीं चाहिए, इसे थ्री माइनस एक्स की वैल्यू जीरो नहीं चाहिए, देयरफॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री, इसलिए हम लोग थ्री को क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। अंडरस्टूड बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन देता हूं मैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा, आप सॉल्व करो, मगर आपका कंसेप्ट क्लियर रखो। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंक्शंस, उसको मैं बाद में सेशन दूंगा, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फंक्शंस, सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस, वो अगर अच्छे से, इनइक्वालिटी वो अच्छे से हो गया तो आपका बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ट्रिगो में देखो हम लोग यूज कर रहे हैं ना डोमेन एंड रेंज,
मतलब अगर आपको टेक्नोमेट्रिक इनवर्स त्रिकोण इनवर्स में अगर आपको डोमेन और रेंज पता नहीं है, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अच्छा चलो सॉल्व करो। अचित नहीं टाइम कितना बेटा टाइम 10 मिनट संपर्क समझा। चलो सॉल्व करके दो डोमेन का मतलब और लॉग रहता है ना
तो लॉग का कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि लॉग बहुत जगह यूज होने वाला है। आपने किया था ना फंक्शन में लॉगरिथम, ऐसे अच्छे क्वेश्चन लाता हूँ बहुत लिस्ट करो बैठ के अच्छे से, इसमें सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सब बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब वो फॉर्मूला वो उसको कैसे सॉल्व करने, उसका प्रोसीजर क्या है। जैसे अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर है तो अंदर जो नंबर है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यस ऑर नो। अच्छा क्यूब रूट रहेगा तो कोई भी रियल वैल्यू चलता है। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एट क्या होता है, माइनस टू, मगर स्क्वायर सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट ऑफ माइनस एट क्या होता है, माइनस टू, मगर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए माइनस एट इज नॉट ए रियल नंबर, इट इज एन इमेजिनरी नंबर। तो जब आप पढ़ते हो ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पढ़ो टाइम दो, क्योंकि आपको जैसा रखते इतना हलवा नहीं है ये कि बेटा आ गया कर लिया, इसमें ना बच्चों को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। एंटी लॉग किसका, लॉग ऑफ वन इज जीरो, हाँ तो एंटी लॉग, लॉग ऑफ वन जीरो होता है, एंटी लॉग ऑफ जीरो का वन होता है। हाँ कैसे आया, इधर देखो मैं बताता हूँ मैं कैसे सोचता हूँ, आप कैसे सोच रहे हो। आपको ऑब्वियसली पता है लॉग ऑफ किसके बीच में रहेगा, ये लॉग को किसमें कन्वर्ट करो, एक्सपोनेंशियल कैसे करने का, इफ लॉग एक्स टू द बेस ए इक्वल टू एम, इफ लॉग एक्स टू द बेस ए इक्वल टू एम, एक्सपोनेंशियल क्या होगा, ए रेस टू एम, यस ऑर नो। तो ये इधर क्या जाएगा, थ्री रेस टू माइनस वन, थ्री रेस टू वन, यस ऑर नो। देखो ना थ्री है ना, तो एक्सपोनेंशियल क्या होगा, थ्री रेस टू माइनस वन क्या होता है, ठीक है मल्टीप्लाई बाय थ्री करो तो ये वन, आंसर क्या आया, अब इसमें लॉग में लॉगरिथम को किसमें कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल। अगर आपको लॉग रिमूव करना है तो उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो। ये तो बहुत से क्वेश्चन है, बट कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, इंटरेस्ट ना आपका अभी जो दिमाग लगा रहा है वैसे लगाना पड़ेगा, अपने आपको उतना डेवलप करो। वो कब पॉसिबल है मालूम है, जब आप जितना सॉल्व घर पे करेगा, उनको पूछ लो कितना सॉल्व करते हैं, वो सॉल्व करते तभी आता है, पूछ लो ना, वो आपको नहीं बोलेगा कि मैं सॉल्व करता हूँ, घर पे पढ़ाई नहीं करते हो, कोई नहीं सर, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा एंट्रेंस में, पढ़ाई करो घर पे। एटलीस्ट हर एक चैप्टर का 200 प्रॉब्लम सॉल्व करो, एटलीस्ट हर एक चैप्टर का 200 प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, कितना 200 मिनिमम, मैक्सिमम कितना भी जाओ बेटा मैक्सिमम कम है, मैक्सिमम इज इनफाइनाइट। बट ऐसा करो कि भाई जब उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको क्या करोगे, हैंडल कर पाओगे, इन जेई का और सीईटी में भी। जेई में कैसा है, अगर आपको जेई दे रहे हो 25 क्वेश्चन है, अगर आप केमिस्ट्री आपका स्ट्रांग है आप 16 क्वेश्चन बना लोगे, 25 क्वेश्चन फिजिक्स है आपका फिजिक्स स्ट्रांग है, आपने फिजिक्स के बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर किए और प्रॉब्लम किए, आप 16 क्वेश्चन बना लोगे, मैथ्स में 25 है, मैथ्स में मर मरा के भी अगर आपकी हालत ठीक है ठीक रहेगी तो भी मैथ्स में आप 13 क्वेश्चन बना लोगे, टोटल 32 प्लस 13 45 इंटू अब 180 मतलब आप 98 के ऊपर आ जाओगे।
जे डब्ल्यू सीटी में आपको बता रहा हूं, ये समझा, ये जे डब्ल्यू का इक्वेशन है, मगर उत्तर चैप्टर परफेक्ट आना चाहिए। सीटी में, सीटी में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, अगर आप 40 बना लोगे अच्छे से आपका कितना आता है 80 मार्क्स, और आपका 50 केमिस्ट्री का है 50 फिजिक्स का है, केमिस्ट्री में 50 में से अगर आप 40 क्वेश्चन बना लोगे, इसमें 40 क्वेश्चन बना लोगे, 40 + 40 80, 80 + 80 160 है, 160 में विजेट है तो कभी नहीं मिलेगा, 160 मतलब आपका 99.4 विजेट है का क्लोजिंग है 99.94, बाकी कॉलेज मिल जाएगा, वालचंद सीओपी भी नहीं, वालचंद पीआईसीटी सरदार पटेल ये सब कॉलेज मिल जाएंगे, विजेट है नहीं। अगर विजेट है चाहिए आपको, अगर आपको सच्ची विजेट है चाहिए कंप्यूटर साइंस, आपको रैंक 100 के अंदर आना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस नहीं का तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा विजेट, मगर उसमें कैसा है, वो कॉलेज का अगर आपका टैग है तो यू कैन एक्सेल इन मेनी फील्ड, वो अच्छा कॉलेज है, उसका नाम है पूरा इंडिया में तो पूरे वर्ल्ड में नाम है। अभी देखो, अगर आपको विजेटेक जाना है तो 185 स्कोर चाहिए, 185 स्कोर मतलब मैथ में आपके 48 क्वेश्चन बन रहे हैं, फिजिक्स में आपके 46 क्वेश्चन बन रहे हैं, केमिस्ट्री में 46 से 46 92 96, मतलब इधर रॉन्ग होने का चांसेस नहीं है। क्या बोल रहे हो, तो मतलब 186 बनता है तो आपका परसेंटाइल 99.9798 बन जाएगा, या 100 परसेंटाइल भी बन जाएगा। हाँ, अगर आप 175 के ऊपर आ जाते हो तो विजेटे का आईटी मिल जाएगा, तो विजेटे का कंप्यूटर साइंस का रैंकिंग 70 पे क्लोज हो जाता, मतलब वो जो पूरे महाराष्ट्र में जिनका 88 रैंक है ना, 80 बंद हो जाता है। हाँ, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ये सब, मैकेनिकल तो 98 पे क्लोज होता है, प्रोडक्शन 97 पे, मगर टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल सब 99 पे, अगर आपका 160 स्कोर है तो आपका 99 के ऊपर बन जाता है। मतलब इधर देखो, ओए एमएसटी सीटी में सब बोलते हैं, मगर एमएसटी सीटी में आपका राइट बहुत होना चाहिए, क्योंकि और सेकंड चीज क्या है, आपका 100 मार्क्स का पेपर है फिजिक्स के, 100 क्वेश्चन है, और आपको सॉल्व करने को कितना मिलता है 90 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट से भी कम मिलते है। नहीं, इसमें नहीं होता ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग रखेंगे तो वाट लग जाएगी सबकी, मगर ये नेगेटिव मार्किंग से ज्यादा खतरनाक है, क्यों बताओ, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन को कितना मिल रहा है, हाँ, और आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 90, अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो एटलीस्ट 100 में से 80 चाहिए आपको, तो आपको 80 क्वेश्चन राइट सॉल्व करने हैं 90 मिनट में स्पीड, मतलब पता, जितना भी यहां प्रैक्टिस करोगे ना उतना वहां पे आपका स्पीड अच्छा बनेगा। मैथ में कितने क्वेश्चन है 50, 90 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन को 1 मिनट कुछ सेकेंड, ठीक है, बट उसको राइट आना चाहिए, 50 में से 46 तो राइट होना चाहिए। इफ यू आर एमिंग फॉर विजेटीआई, इफ यू आर एमिंग फॉर सरदार पटेल, इफ यू आर एमिंग फॉर सीओएपी, आप लोग का स्कोर 160 के ऊपर होना चाहिए, विजेटीआई कंप्यूटर साइंस आपका स्कोर 175 के ऊपर होना चाहिए, उससे कम तो चलेगा नहीं। मेरी स्टूडेंट था, उसका रैंक 252 था, मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका रैंक 252 था, उसको विजिट आईटी मिल गया और जस्ट उसके बाद क्लोज हो गया। सब रैंक पे डिपेंड है, रैंक कैसा आएगा, आपका मार्क्स अच्छा है मगर आप जैसे बहुत जन पढ़े तो आपका रैंक पीछे भी जा सकता है, आगे भी आ सकता है, मतलब आपका स्कोर सीईटी में 180 के ऊपर लाना है।
मतलब आपका एरर ऑफ मार्जिन कितना है खाली 20 मार्क्स एरर ऑफ मार्जिन 20 मार्क्स इन गुड कॉलेज है इसे सीटी का अगर पढ़ाई करनी है जेई की पढ़ाई करनी है दोनों का एक दोनों का सॉल्व करने का माइंडसेट अलग रखो सीटी अलग है जेई अलग है माइंडसेट है सॉल्व करने का सीटी में फट 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 सीटी के क्वेश्चन इजी रहते हैं पूरा फॉर्मूला बेस जाता है बट फटाफट जेडब्ल्यू में ना एक फिजिक्स के लिए जेडब्ल्यू कैसा होना 3 घंटा है ना कुछ भी करो सपोज इधर देखो आई लो इधर देखो आपका 25 फिजिक्स से 25 केमिस्ट्री 25 मैथ्स से आपका केमिस्ट्री फिजिक्स फंडो है आप इसमें 22 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो राइट 22 रॉन्ग सॉल्व कर रहे हो राइट इधर दो ही कर रहे हो तो भी कितना हो गया 46 × 4 आपका परसेंटेज बढ़ गया उससे तो मतलब नहीं उनको उनको तीनों मिला के क्या रहे वो मतलब है सीटी में ऐसा नहीं है इसमें देखो एक फिजिक्स के ए ओए फिजिक्स के मैथ्स आएगा तीनों मिला के कुछ भी करने करो तीनों का कंबाइंड स्कोर अच्छा आना चाहिए सीटी में ऐसा नहीं है पहला फिजिक्स केम का पेपर आएगा 1.5 घंटा बंद फिर मैथ्स का पेपर 1.5 घंटे पर मतलब मैथ्स को 1.5 घंटा सॉल्व करना ही है इसे और वो लोग कितना स्मार्ट है फिजिक्स केम को एक एक मार्क रखते हैं मतलब मैथ्स को सॉल्व करना पड़ेगा इधर सपोज आपका फिजिक्स केम बहुत स्ट्रांग है इधर 25 सॉल्व कर लिया राइट इधर 25 कितना हो गया 200 इधर आ गया मैथ्स का दो ही करके भी आए तो भी चलते समझा मैं क्या बोल रहा हूँ ये जेई का भाई जेई में 25-25 सॉल्व करोगे मतलब फिजिक्स केम अच्छी होनी चाहिए वो अलग बात है मैं एक बात बता रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग मैं आपको नेगेटिव मार्किंग बात बता रहा हूँ कि क्या होता है जेई और सीईटी में फर्क सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है मगर सीईटी में स्पीड बहुत अच्छी चाहिए ट्रेमेंडस स्पीड आपका ट्रेमेंडस स्पीड कब अच्छा बनेगा जब आप ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे जो मैंने पढ़ा अच्छे से पढ़ो क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं सिंपल रहते हैं बट टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं अगर आप फिजिक्स को करोगे तो वो एग्जाम में मार्क्स भी आए नाइन्टी परसेंटाइल 95 मार्क्स पे बन जाता है मगर 90% लेके कंप्यूटर साइंस मिलना अच्छे कॉलेज में तो नाक के बराबर है आपको एटलीस्ट सीईटी में बाकी अच्छे कॉलेजेस में चाहिए कंप्यूटर साइंस हाँ मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ आपको 130 के ऊपर चाहिए तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम नाउ Understood? मैं अभी मैक्सिमम ये क्वेश्चंस कर रहा हूँ मैं ये कराऊ मैं देखता हूँ मैं से तो यही कराता हूँ मैं तो इसको रोक देते इसको रोक देता हूँ डेरिवेटिव चालू करता हूँ आपको एक टाइम देता हूँ प्रिपरेशन करने को फॉर्मूला फिर बीच में एक 2 घंटे का लेक्चर देना पहले मेंटली प्रिपेयर समझा सम कैसे करते हैं दिमाग लगाना पड़ता है ना डोमेन रेट हाँ वो थोड़ा करना पड़ेगा ना वो एक्स कैसे निकालना है क्या है हाँ तो मैं फंक्शंस करा दूंगा ना मैं आपको स्ट्रेटेजी दूंगा ना जिसमें निकल जाओगे अच्छा मार्क्स आपको आप सीटी दे रहे हो ना
आपको 170 बात है, वो टेंशन मत लो, मेरे पे छोड़ो। मैं जो थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ ये समझा चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तीन पार्ट पूरा क्लियर हो गया, फॉर्मूला, अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर डेरिवेटिव्स। अभी कराऊंगा मैं, अभी मैं डेरिवेटिव्स कराऊंगा, बीच में एक लेक्चर लेके ये भी कराऊंगा, उसके लिए प्रॉब्लम्स कराऊंगा। आप लोग पढ़ के रखो चैप्टर, नहीं पढ़ा गया ना इस चैप्टर का, टोटल मैंने कितने सेंस करा है मालूम है, तीनों चैप्टर मिला के, तीनों पार्ट मिला के बहुत करा है। कितना भी करो और प्रैक्टिस करो, सीईटी इतना आसान नहीं है भैया, बहुत कुछ चाहिए, विजिटर चाहिए तो जोर लगा दो, 800 रैंक के अंदर चाहिए, मतलब महाराष्ट्र टॉपर। वॉशरूम की तू गया नहीं था क्या? जा मैडम, मोबाइल दे, थैंक यू।